का मन पे लाएंगे, है ना। क्योंकि हम ऐसा करते रहेंगे, हमारी जैसी नियत जैसी फिकर होगी, अल्लाह ताला हमसे वैसे ही काम लेंगे। अगर हमारी नियत ये होगी कि हमारी नस्लों तक दीन बाकी रहे और हमारी नस्लों से भी आगे तक दीन चलता रहे, तो उसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमारे एहसानुद्दीन भाई हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, हम खुशकिस्मत है कि हमारे इलाके में और दिल्ली की सरजमीन से आकर इस मदरसे को यहाँ के बच्चों की एक्टिविटीज को समाप्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ अपनी नजरों में कैद करके सरजमीन दिल्ली में जाकर आपकी एक एक अचूके अंदाज को इंशाल्लाह नजर करेंगे, शेयर करेंगे लोगों तक, आपकी जिंदगी बोलता करेंगे। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि हम आपके सामने हमारे मेहमान मुहर्रम अपने दरमियान अपने अंदाज और अपनी कुछ दिल की कलीदी खिताब से हम सामने के कुलूर को जिला बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ हिसामुद्दीन भाई आए और हम सबको कुछ मुफीद मशवरे फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल्ली से हैं? नहीं, दिल्ली। भाई आप बच्चों से बस एक ही दरख्वास्त है कि आप बच्चे ध्यान के साथ, फिगर के साथ, लगन के साथ अपने आप को बदलने की कोशिश करें। बदलना क्या है कि बदलना यह है कि यहाँ से आलिम बने, हाफिज बने, मुफ्ती बने, और यहाँ से सीख के जहाँ पे भी जाएंगे आप लोगों को सिखाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के दीन की मेहनत को करना है, अल्लाह के दीन की मेहनत को करना है और मौत तलब करना है, और ये नियत रखनी है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे और अल्लाह के दीन की मेहनत करते करते मरेंगे और अल्लाह के दीन की मेहनत को दूर तक पहुंचाएंगे, है ना। अपनी जान से हम अमल करेंगे और दूसरों को अमल पे लाएंगे, है ना। क्योंकि हम ऐसा करते रहेंगे, हमारी जैसी नियत जैसी फिकर होगी, अल्लाह ताला हमसे वैसे ही काम लेंगे। अगर हमारी नियत ये होगी कि हमारी नस्लों तक दीन बाकी रहे और हमारी नस्लों से भी आगे तक दीन चलता रहे, तो उसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसकी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप को भी बदलना है, अपनी नस्ल को भी बदलना है, अपने इलायत को भी बदलना है, हर एक को नमाजी बनाना है, परहेजगार बनाना है, और हर एक को समझाना है प्यार से, मोहब्बत से, कि हमें असर क्या है, हमें दीनदार बनना है। किस तरीके से हम लोग दीनदार बन जाएं, हमारे माँ बाप दीनदार बन जाएं, हमारे बच्चे दीनदार बन जाएं, इस बारे के अंदर यही मैं दिल्ली से आया था देखने के लिए मदरसे को, क्या उनके दोस्त के साथ मुफ्ती साहब के पास जाए देखेंगे मदरसा। देखने के बाद में इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छा लगा, और हम भी दुआ करेंगे मदरसे के लिए, और हमें बहुत खुशी हुई है यहाँ के बच्चों को देख करके कि छोटे छोटे से बच्चे हैं और कितने लगन से फिकर से पढ़ रहे हैं बच्चे। और आप सबसे बच्चों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग ध्यान के साथ अपना पढ़ाई करें, ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीन के साथ और आपकी एक एक बात को इंशाल्लाह लब्बे कहकर अपनी अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बड़े भाई जनाब हिशामुद्दीन साहब को उम्र खिज्र अता फरमाए, अल्लाह ताला कल्बी मोहब्बत अता फरमाए इस इदारे से, और जहां वो जाएं हम सबके इस इदारे के लिए दुआ भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दीन दुनिया और आखिरत तरक्कियात से मालामाल फरमाए। हम ये उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि उस सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं जहाँ भारत की राजधानी कही जाती है, जहाँ सबका आस्था होता है, सबकी ख्वाहिशें होती है, जहाँ हमारे हजरत अक्दस मौलाना वासिफ साहब खास की दावत बरकत आलिया बहुत तवील मुद्दत इन्होंने भी गुजारा है, हमने भी गुजारा है। वाकई दिल्ली की सरजमीन दिल वालों की सरजमीन हुआ करती है। जब आप जाएंगे तो वाकई आप दिल आपका छू जाएगा वहाँ के लोगों का वालिहाना अंदाज,
मोहब्बत और खुलूस का जो पैमाना पेश करते हैं वाकई काबिल मुबारकबाद के मुस्तहिक है। वही अंदाज में इसामुद्दीन भाई के अंदर देखा कि अब तक आए हैं वो कभी किसी के दरमियान ऐसे वैसे नजर नहीं आए जैसे कि आया ही नहीं है कोई शख्स, बिल्कुल सादे मिजाज के साथ बैठे रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मेहमान मुकर्रम को हम सब के लिए आने का निजात का जरिया बनाए। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया जज़ाकअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।